किंतु यह आत्मा जो है शांत स्वरूप, शांत स्वरूप है। इसलिए जब ये आत्मा आपके चित्त में आता है तो आप उस शांति को प्राप्त करते हैं जिसको ज्ञानेश्वर जी ने कहा है, शांति ची पई शांति। जो शांति का आधार शांति है, उस शांति को आप प्राप्त करते हैं और वो शांति आपके अंदर है। चल विचल ये सब खत्म हो जाता है, संतुलन में उतर जाते हैं और उस शांति को आप जानते हैं। और उसके बाद आप हर चीज़ को एक ड्रामा की तरह से देखते हैं, एक आप साक्षी स्वरूपत्व आप में आ जाता है। आप देखते हैं किसी भी चीज़ को कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, जबकि आप एक साक्षी स्वरूप हो जाते हैं। इसका मतलब यह है कि आप में एक नया आयाम आ गया, और ये नया आयाम, नया डायमेंशन, इसे हम कहते हैं निर्विचार समाधि। पहले निर्विचार समाधि, जब कि आप निर्विचार हो जाते हैं, पर आप सोते नहीं, आप अभिभूत नहीं हुए, आप सोते नहीं, आप जागरूक हैं पर निर्विचार हैं। अब निर्विचार की बात कहें कि एक विचार आता है खत्म हो जाता है, दूसरा विचार आता है खत्म हो जाता है, एक आता है समझ लीजिए आपके भूतकाल से पास से, एक आता है फ्यूचर से, आता है भविष्य से, दोनों ही आते हैं, एक बार आते हैं फिर जाते हैं, आप उसी के ऊपर नाचते रहते हैं। लेकिन इसके बीच में एक जगह है जिसे विलंब कहते हैं। जिस वक्त कुंडलिनी जागृत होती है तो ये विचार थक जाते हैं, उसके बीच की जगह स्थापित हो जाती है, आप वर्तमान में आ जाते हैं। वर्तमान में आप निर्विचार हैं, क्यों? वही सत्य है, वर्तमान सत्य है, उसमें आप बिल्कुल स्थापित हो जाते हैं और तब आप निर्विचार हो जाते हैं। और जब आपकी स्थिति और भी पक्की हो जाए तो आप निर्विकल्प समाधि में उतर जाते हैं, जिनका वर्णन पातंजल योग में बहुत विस्तार पूर्वक किया गया। इसी आत्मा के प्रकाश से आप सत्य को जानते हैं, क्योंकि आपके हाथ में जो ये चैतन्य बह रहा है, इसको आप किसी भी और मोड़े, किसी भी प्रश्न की ओर मोड़े, फौरन आप जान सकते हैं कि यह सत्य है या असत्य है। किसी किताब को देखें, किसी इंसान को देखें, किसी वस्तु के प्रति आपको आकर्षण हो, आप देखें, आप जान जाएं, आप जान जाएंगे कि ये सत्य है झूठ है। जैसे कोई वस्तु बनाई गई है, ये वस्तु अगर किसी संतों की बनाई हुई हो या किसी पहुँचे पुरुषों की बनाई हो या कोई स्वयंभू, तो उसमें से आपको चैतन्य आएगा। अब ये भी लोग मानने को तैयार नहीं कि अपने यहाँ स्वयंभू लोग, स्वयंभू जो संसार में हम लोग जो हर जगह मैंने देखा कि स्वयंभू है, ग्रीस में भी मैंने देखा कि स्वयंभू वहाँ बैठे हुए हैं। स्वयंभू माने जो पृथ्वी माता है, ये अपने अंदर से ही ऐसे पुंज निकालती है जो पत्थर बन करके और चैतन्य बहाते हैं। पर यह चीज़ आपको पहले महसूस ही नहीं होगी, आपके लिए कोई सी भी मंदिर हो उसमें ठीक ही मूर्ति है, किसमें स्वयंभू है और किसमें नहीं है ये आप समझ नहीं सकते। किसे एक रियलाइज सोल ने बनाया है, आत्मदर्शन के आदमी ने बनाया है, या किसी एक दुष्ट ने बनाया, आपको पता नहीं होगा। एक बात थी, एक साहब ने मुझे बताया कि माँ हमने एक मंदिर बनाया है बहुत अच्छा इंदौर में, और ये उसका पिक्चर है, बताइए ये कैसे। मैंने देखते साहब कहा किसने बनाया, कहले एक बड़े अच्छे कलाकार। मैंने कहा बड़ा दुष्ट आदमी, इस दुष्ट आदमी ने बनाया है, आप इस मूर्ति को बिल्कुल नष्ट कर दीजिए। माना नहीं है। उसके बाद उन्हें एक महीने बाद बताया कि इस आदमी ने 3 मर्डर्स किए थे, अपने बाप को भी मार डाला था, वाइफ को भी मार डाला था और लड़की को भी मार डाला था। उस फोटो में दिखाई दिया एकदम जैसे कि जलन सी हाथ में आ रही थी और बड़ी बुरी तरह से एक अंदर से महसूस हो रहा था कि ये क्या है, ये कैसे हो सकती श्री राम की मूर्ति, हो ही नहीं सकती। तो जो स्वयंभू चीज़ है वो भी जानना, या कौन सी चीज़ सत्य है कौन सी नहीं। आपको एक बार बताऊँ, मैं कश्मीर गई थी, बहुत साल पहले की बात है, तो उस वक्त हम लोग ऐसे इधर उधर जा रहे थे मोटर में, इतने में मुझे ऐसा लगा कि यहाँ बड़ा चैतन्य आ रहा है कहीं से,
तो मैंने ड्राइवर से पूछा कि यहाँ कोई मंदिर है, कोई कुछ है? कहने यहाँ तो कोई मंदिर वंदिर नहीं है, ये तो बिल्कुल ऐसे ही उजाड़ बस्ती है, विल्डरनेस है। अच्छा भाई, पर मैंने कहा अच्छा तुम इस रास्ते से ले लो, ज़रा उबड़ खाबड़ है। हम लोग उसी रास्ते से आगे गए तो वहाँ देखा बहुत मुसलमानों की बस्ती थी, बड़े गरीब लोग वहाँ थे। फिर मैंने पूछा उन लोगों से यहाँ कोई मंदिर है? नहीं, यहाँ इकबाल, हज़रत इकबाल है। एक बाल मोहम्मद साहब का मैंने 5 मील दूरी पर पकड़ा, एक सिर्फ उनका बाल। लेकिन वो मुसलमान नहीं पकड़ सकते, हिंदू नहीं पकड़ सकते, कोई नहीं पकड़ सकता। जब तक आप संत नहीं होंगे आप इसको पकड़ नहीं सके। इसकी पकड़ तभी आएगी जब आप आत्मदर्शन पाएंगे, और इस आत्मदर्शन में सारे विश्व का मिलन बैठा हुआ, क्योंकि आप सारे ही धर्मों को जानते हैं, उसके समतत्व को जानते हैं। आप किससे लड़ेंगे? जब आप सारे ही धर्मों को मानते हैं तो कौन सा किसी से लड़ेगा? हम ये हैं, हम वो हैं, इस तरह से हमने अगर अपने धर्म अलग अलग कर लिए तो झगड़ा तो होना ही हुआ। कोई भी ठीक नहीं है। जब तक आत्मदर्शन नहीं होगा तब तक हम समझ ही नहीं सकते। हर देश में मैंने देखा, हर प्रांत में मैंने देखा, बड़े बड़े संत साधु। और बड़ा आश्चर्य होता है कि हम लोग क्या लड़ रहे हैं, किस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं? कुछ नहीं, ये सब पैसे बनाने के धंधे बन गए हैं। आप लोग नहीं जानते, वेटिकन जैसा बड़ा माना हुआ, हम लोगों ने हज़ारों रुपए खर्च किए जिसके लिए, उनकी अपनी बैंक है, और आप सबके जितने पैसे हैं वहीं जाते हैं, पहले फिर स्विट्ज़रलैंड जाते हैं। ये क्या धर्म है? गरीब लोगों के पैसे खींच करके वहाँ पर सब लोग भरते हैं और वहाँ से स्विट्ज़रलैंड पैसा कैश चला जाता है, इसीलिए पता नहीं चलता किसका पैसा कहाँ गया। यह धर्म के नाम पर, इसी तरह हिंदू धर्म में भी है, इसी तरह मुसलमानों में है, इसी तरह हर एक धर्म में यही आफत है, कौन से धर्म में नहीं। लेकिन जब आपके अंदर आत्मा का जागरण आ जाता तो आप जानते हैं कि धर्म क्या है, तब आप समझ सकते हैं कि धर्म क्या है। उससे पहले जो भी धर्म को मानते हैं वो इसी तरह से कि हम उनसे अच्छे हैं, वो हमसे ख़राब हैं, बस ये झगड़े एक बार के लिए ख़त्म हो जाएंगे जिस दिन आप सब लोग आत्मदर्शन को प्राप्त करेंगे। एक नई दुनिया, एक नई जमात, एक नया रेस खड़ा होने वाला है, उसमें आपको सम्मिलित होना है और सबके साथ उस चीज़ का उपभोग लेना है जो आत्मा का तीसरा स्वरूप है, जिसे हम कहते हैं आनंद। आनंद में सुख और दुख नहीं होता, आनंद सिर्फ अपने एक में वो चीज़ है। जैसे आप देख रहे हैं इन लोगों को यहाँ पर, अभी जहाँ इनको ठहराया है, बेचारों के पानी भी नहीं, नदी पे जाते हैं, कोई इंतज़ाम खास नहीं कर पाए, लेकिन वो आए, पुण्य पट्टनम है ना, इसलिए यहाँ दौड़े दौड़े आए। वो कहते हैं यहाँ पूना में बहुत वाइब्रेशंस हैं, आप विश्वास कर सकते हैं? इसलिए यहाँ पर जैसी भी हालत आ गए, तो हमने कहा भाई तुम बड़े यहाँ आराम में तो हो नहीं, तो क्या करना चाहिए? कहले माँ हम तो सिर्फ आत्मा का आराम ढूंढते हैं, शरीर का आराम तो बहुत हो चुका, अब आत्मा का आराम ढूंढ रहे हैं। ऐसे आदमियों को क्या लालच होगी कि मोटरें खरीदें और ये करें और वो करें? हो ही नहीं सकती। ऐसा आदमी बड़ा दानशूर होता है, उसके पास वैभव होगा तो वो बांटेगा और सबको देगा और सबके साथ मज़ा उठाएगा। ये आनंद का सागर जो है आपके लिए खड़ा हुआ है कि आपकी प्रतीक्षा में, कि आप इसमें उतर आए। और बड़ा ही आसान है होना, बहुत आसान ये घटित होता है। इस तरह से ये आत्मा का स्वरूप आपके अंदर जागना चाहिए, और आपके सबके पास ये जब शक्ति है और इसे आप प्राप्त कर सकते हैं तो ये होना ही चाहिए। मेरा सबको अनंत आशीर्वाद है। आज फिर से हम लोग आत्मबोध पर थोड़ी प्रक्रिया करेंगे। सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।